सो हे गाइज व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर वाट चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैंने मॉर्निंग में मतलब एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोग को मतलब नेक्स्ट प्रीसेट मतलब किस टाइप का चाहिए, तो आप लोग का मैक्सिमम वोट यहां पर क्या आया है DNG सॉरी XMP के ऊपर, जो कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये मतलब XMP और DNG क्या है, तो पहले आप लोग यार वीडियो को लास्ट तक देखो, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को टॉप 20 मतलब यहाँ पर XMP प्रीसेट देने वाला हूँ, जिसका आप लोग यूज करके वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी तक आप लोगों ने इस वाला वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस वाला वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दिया डेली स्तर का न्यू फोटो एडिटिंग का देखने के लिए। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस लेट गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो एवरीवन, सबसे पहले गाइस आप लोग को यहां पर क्या करना है, अपने मतलब फोन के अंदर आप लोग को लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन को यहां पर ओपन करना है इस तरह से। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने फोन के अंदर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप लोग सामने कुछ इस टाइप का मतलब इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि अभी आप लोग यहां पर देख ही सकते हो। और गाइस अगर आप लोग को मतलब बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक वगैरह आ रहा होगा तो प्लीज यार उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यार बगल में पूजा है यहाँ पर। तो गाइज वन क्लिक के अंदर सारे प्रीसेट को यहाँ पर ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, अपने मतलब कोई भी एक मतलब ओरिजिनल फोटो को आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कैमरे के बगल में आप लोग का जस्ट एक ऐड फोटो नाम से आप लोग को एक आइकॉन देखने को मिलेगा, तो उस वाले ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग को जिस फोटो को एडिट करना होगा आप उस वाले फोटो को सिंपली से यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो वेल गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाला मतलब फोटो को अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो प्रीसेट को वन क्लिक के अंदर मतलब ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मतलब ऊपर की ओर कुछ इस तरह से मतलब स्क्रॉल करेंगे तो गाइज यहाँ पर आप लोग को एक प्रोफाइल नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखलाता हूँ एरो देखकर। तो इस वाले प्रोफाइल के ऑप्शन पर एक बार आप लोग यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा, तो राइट साइड के कॉर्नर मतलब आप लोग को 3 डॉट देखने को मिलेगा, तो इस वाले 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, इंपोर्ट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो मतलब यहाँ पर फोल्डर मतलब डाउनलोड किए होंगे उस वाला फोल्डर को यहाँ पर सिंपली से आप लोग यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। और भाई लोगों मतलब प्रीसेट आप लोग का यहाँ पर जिप फाइल के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप लोग मतलब उसको अनजिप कर लीजिएगा अपने मतलब फोल्डर में जाके। और सॉरी गाइज मैं यहाँ पर प्रीसेट को डाउनलोड कैसे करना है वो आप लोग को मतलब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यार ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैं सारे प्रीसेट को यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर ऐड इस तरह से कर लेता हूँ, आप लोग सारे को मतलब एक बार सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर सिंपली से ऐड कर लीजिएगा इस तरह से। तो गाइज मेरा यहाँ पर 20 XMP प्रीसेट यहाँ पर लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो कि मैं अभी आप लोग को यहाँ पर दिखलाता हूँ। तो प्रीसेट को देखने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको यहाँ पर इस तरह से कट कर लीजिएगा, और इसको यहाँ पर आप लोग नीचे की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे सॉरी ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आप लोग को एक प्रीसेट नाम से देखने को ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले प्रीसेट के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर आप लोग इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग योर्स के ऊपर यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को टॉप 10 लाइटरूम XMP प्रीसेट देखने को मिलेगा, तो इस पर आप लोग यहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। आप लोग गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो सारा प्रीसेट यहाँ पर शो हो चुका है। तो चलिए आप वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को हम लोग यहाँ पर एडिट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मतलब अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ और सारे प्रीसेट को आप लोग को यहाँ पर एक एक करके दिखला देता हूँ। और गाइज अगर आप लोग मान के चलिए मतलब प्रीसेट को अप्लाई करने के बाद अगर आपका मतलब यहाँ पर फेस खराब हो जाए, जो कि आप लोग इस वाले फोटो के अंदर देख ही सकते हो मतलब फेस ज़्यादा मतलब वाइट मतलब सॉरी रेड हो चुका है, तो इसके लिए गाइज यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले मतलब इस वाले प्रीसेट को अप्लाई करके सिंपली से यहाँ पर एक बार इस तरह से डन कर लीजिएगा, और अब कलर के ऑप्शन पर यहाँ पर एक बार इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और मिक्स टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑरेंज कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके मतलब ल्यूमिनस को आप लोग मतलब हल्का सा इंक्रीज कर लीजिएगा, और इसके मतलब सैचुरेशन को हल्का सा माइनस स्कोर इस तरह से कर लीजिएगा, तो आपका फेस यहां पर गाइज सही हो जाएगा।
तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कोई और फोटो मतलब इस वाले सारे प्रेशर को अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि आप लोग ऐसा ना बोलो कि भाई मेरे मतलब फोटो पर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बैक के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई और फोटो को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इस वाले फोटो मतलब प्रिंटर को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से मतलब प्रिंटर के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा ऑलरेडी पहले से ही। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फोटो के अंदर यहाँ पर वन क्लिक के अंदर फोटो एडिटिंग हो रहा है। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लोडिंग ले रहा था भाई। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो, और नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग को मतलब किस कलर टोन पर चाहिए आप लोग कमेंट जरूर से कर देना। तो अब फोटो गैलरी के अंदर सेव करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर इजीली यहाँ पर सेव कर लेते हैं।